नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। अश्लील फिल्म रैकेट में राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राज इन दिनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। राज कुंद्रा से पहले जिसका नाम इस मामले में सबसे पहले आया था वह है एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ। गहना को इस मामले में जेल में तक रहना पड़ा था। अब एक बार फिर से गहना के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। ऐसे में गहना ने मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। गहना का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उन पर पॉर्न केस में राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम लेने का दबाव बनाया था। गहना ने यह भी दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने उनका नाम केस में नहीं लिए जाने के लिए 15 लाख रुपए की मांग भी की थी। एक इंटरव्यू में गहना ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने के लिए मुझसे 15 लाख रुपए मांगे। गहना के अनुसार पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर वह पैसे देंगी तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि मैंने पुलिस को पैसे नहीं दिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस भी वीडियोस में मैंने काम किया है वो सभी बोल्ड थे, ना कि अश्लील। ऐसे में राज कुंद्रा और मेरे द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। गहना ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें अपनी बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। बता दें कि इस मामले में गहना की 4 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है, लेकिन इसी हफ्ते उनके खिलाफ 3रा केस दर्ज किया गया है। वहीं हाल ही में गहना ने एक वीडियो में कहा था कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। गहना लगातार पुलिस पर इल्जाम लगाती रही हैं। आपको बता दें कि अश्लील फिल्म बनाने के केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। देखना होगा कि अब राज कुंद्रा को जमानत कब मिलती है। गहना वशिष्ठ द्वारा मुंबई पुलिस पर लगाए गए आरोपों को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एचसीएन न्यूज। शुक्रिया।